नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर दियारा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। उन्होंने दियारा के गंगहारा, हेतनपुर, कासिमचक, पानापुर, मानस के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि राज्य ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 13,000 राहत सामग्री का पैकेट, 83 नाव की व्यवस्था की है, जिसमें 12 नाव को 20 लीटर डीजल और 71 नाव को 5 लीटर डीजल प्रतिदिन व्यवस्था दी गई है। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद सांसद ने बताया कि बाढ़ग्रस्त दियारा क्षेत्र के लिए सरकार ने जो 83 नावें चलाई है वो बिल्कुल निःशुल्क है, मगर कुछ ऐसी शिकायतें मिली है कि जो नावें चल रही है वो किसी से 20 तो किसी से 30 रुपये भाड़ा के रूप में ले रही है। इमरजेंसी में नावें जो जा रही है वो 1500 से 2000 रुपये ले रहे हैं, जिसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा दी गई राहत सामग्री को स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने समर्थकों के बीच बांट दी गई। लोगों ने बताया कि कुछ वार्डों में राहत सामग्री बांटी गई तो कुछ वार्डों में बांटा ही नहीं गया। उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रति परिवार को दी जाने वाली 6,000 की राशि के लिए सूची तैयार की जा रही है, लाभुकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। उन्होंने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को कहा कि जहां पानी निकल गया है वहां बिजली बहाल की जाए। इस दौरान सांसद के साथ भाई सनोज यादव, प्रदेश कार्य समिति रणधीर यादव, त्रिलोकी सिंह, रंजीत यादव, भोला सिंह, ब्रजेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे और कई गांवों का भ्रमण किया हमने। लोगों से मेरी बातचीत हुई। आम तौर पर 2-3 तरह के शिकायत मुझे प्राप्त हुआ। जो कल शिविर में शिकायत प्राप्त हुआ था वही आज भी प्राप्त हुआ। जमीन पर जाने के बाद नावों का जो व्यवस्था सरकार ने किया था, लगभग 83 नावों का दानापुर के बाढ़ इलाके में जो फंसे हुए लोग थे उनके लिए, मालूम ये हुआ कि वो नाव अगर जा भी रहा है, एक तो जा नहीं रहा है, बहुत जगह ये शिकायत मिली, और जा रहा है तो किसी से 20 रुपया, किसी से 30 रुपया एक तरफ का भाड़ा ले रहा है, और इमरजेंसी में जो जा रहा है उसमें 1 से 1.5 हज़ार रुपये की राशि ली जा रही है, जबकि निःशुल्क सरकार ने निःशुल्क नाव की व्यवस्था किया है और 83 नाव की व्यवस्था की है। ये शिकायत मिला। सीओ साहब थे, सीओ साहब ने खुद इस बात को, जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं, अनुश्रवण समिति जो चुने हुए प्रतिनिधियों का है उसके अनुशंसा के आलोक में ही कार्रवाई सरकार कर रही है, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता है, और उसमें इतनी बड़े पैमाने पर व्यापक गड़बड़ी नज़र आई। कई जगह पर मैंने देखा जो लोगों ने शिकायत किया कि जो बाढ़ क्षेत्र में आपदा के लिए जो व्यवस्था किया गया है सरकार के माध्यम, चूड़ा है, गुड़ है, मोमबत्ती है वगैरह वगैरह, कुछ इलाके में तो मिला है, ज़्यादातर इलाके में नहीं मिला है, तो ये भी एक शिकायत मिली है। वैसे जो 6-6 हज़ार रुपये के राशि प्रत्येक परिवार को मिलना है उसकी सूची बन रही है, और मैं समझता हूँ सूची बनते के साथ राशि का आवंटन डायरेक्ट खाते में जो पीड़ित लोग हैं उनके खाते में मिल जाएगा। और शिविर कल जो चल रहा है वो संतोषजनक था, आपने स्वयं भी देखा होगा, आप लोग भी थे उसके गवाह के रूप में। तो ये सारी शिकायत है। बाढ़ उतरने के बाद, बाढ़ काफ़ी नीचे हुआ है, मगर अभी भी हमारे इलाके में, दानापुर के इलाके में, मानस पंचायत में मैंने देखा कि अभी भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो बाढ़ जब उतर जाएगा तो सरकार की एक टीम जाएगी, सर्वे करेगी, जिन लोगों का मकान टूट गया है उसके लिए सरकार का जो उपबंध है उसके माध्यम से मकान की भी व्यवस्था करने का काम किया जाएगा। और एक बात और हम कह रहे हैं, बड़े पैमाने पर किसानों के फसल नष्ट हो गए बाढ़ के पानी की वजह से, तो फसल क्षतिपूर्ति भी सरकार की आपूर्ति करेगी। तो नॉर्थ सेल में यही कहा जा सकता है, दानापुर में ख़ास तौर पर हम ये कह रहे हैं। वैसे हम कल हम जा रहे हैं मनेर के इलाके में,
वहाँ कल मैं रात में शिविर में गया था जहाँ लोग इकट्ठे हैं, बाढ़ प्रभावित लोग, वहाँ कल मैं विजिट करूँगा तो वहाँ की जानकारी भी लूँगा। और हमने सिक्योरिटी इंजीनियर को कहा है बिजली का, चूँकि लाइन कटा हुआ है, बाढ़ की वजह से लाइन काट दिया जाता है, कोई अनहोनी ना हो। कुछ इलाके में पानी है अभी, मगर ज़्यादातर इलाके में पानी की निकासी हो गई है, यानी घर से निकल गए हैं लोग, खेत खलिहान में पानी है वो अलग है। मगर मैंने सिक्योरिटी अफसरों को कहा है कि आप खुद सर्वे करा करके बिजली जल्द से जल्द रिस्टोर करिए ताकि लोगों के कठिनाई जो फेस कर रहे हैं उसे निदान निकल सके।